निकलो निकलो, हम जा रहे हैं दादू के घर। चलो जी, ये हमारी दादू का घर है, हमारा पुराना घर है। दादू तो चढ़े पुरन लगी है मार। ये आंटी शक्कर दी भूने लगी है रेत के अंदर। बच्चे बाबा पूछे, मामा तुमने बाल तो बाबा दे बूट क्यों पाए? मैं मैंने ठंड लग रही बाले। मूली का सारा पानी मैंने निचोड़ लिया है। मामा जी, हाँ जी, क्या है? मूली बेटा रोटी पकानी है, खानी है वैसे ही है। रोटी पकाते हैं। हाँ, शाल कह रही है मैं रोटी पका खानी है, तुम वैसे ही खा रहे हो। मामा इसके अंदर सब्जी क्यों डाली हो? मैंने कहा सब्जी के साथ थी तो टेस्टी होती है रोटी, तो बस इतनी इतनी। बच्ची बच्ची
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा गर्मा गर्म मूली का पराठा, तो इसको अब हम खाएंगे। मैं खाऊंगी चाय के साथ, इशाल भी अपने सादी रोटी चाय के साथ खा रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या फूक मार खाओ बेटा, गर्म है तो फूक मार खाओ। अच्छा मैं भी लगाऊं? चलो नाश्ता वगैरह हम सब ने कर लिया। तो अभी मैं ना दूध दूध हमारा आ गया है, तो इतना सारा दूध है, इसको ना बॉईल करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अभी सब ने नाश्ता कर लिया है, तो बर्तन धोने वाले, तो अभी मैं बर्तन धोऊंगी। बर्तन धोने के बाद फिर बाकी काम लोग बनाऊंगी, क्योंकि किचन को साफ करने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगना है। मेन काम ये होता है, नाश्ता तो कर लिया अब बस किचन में। चलो निकलो बाहर, निकलो निकलो, हम जा रहे हैं दादू के घर। ठंड, एक मिनट ठहरो यार, मुझे भी आने दो।
चलो जी, ये हमारी दादो का घर है, हमारा पुराना घर है। चलो 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 चलो, हमारा घर आ गया, हमारा पुराना घर है हमारा ये। किसी दिन इसका भी होम टूर करवाऊंगी पुराने घर का। दादो तो चढ़े पुरन लगी है मार। ਸਾਰੇ ਭੋਲੇ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਹੋਣੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਕੂ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਅਰੇ ਇੱਥੇ ਭੁੰਨੇ ਆ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤੋਂ ਆ ਸਾਡੇ ਚਨੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਭੁੰਨੇ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਆਂਟੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਭੁੰਨੇ ਲੱਗੀ ਆ ਸ਼ੱਕਰ ਰੇਤ ਕੇ ਅੰਦਰ मैं कल भी आई थी घर से आके शक्कर भी खा गई थी, आज भी मेरी बारी, मेरा नाम लिखा रहता है। बहुत दस ने मैं दस की दस है ना, यहां देखे पा ला ना थोड़े सारे पा आधे पानी थोड़े सारे मार ली ना, हम कपड़ा छोटा बस आधे थोड़े थोड़े पा ला इन्हें मार के ना टक्कर छाणी के पा के इधर आके मरी जावा और इकट्ठे कर ला ना उधर भी सारा पानी। अच्छा इधर डुलण ना ही दा जेड़ा डुलण ना थल्ले ऐदा मार के तरेत जेड़ी निकल जाऊगी ते छा ओदे विच पा के छक ले। आंटी मुझे कह रही है दाने ना आज पा के ना पौने में इधर करके साफ कर ले, सारी रेत निकल जाएगी जो दाने साथ लगी हुई है मेरे से, दाने साफ हो जाएंगे इतना फिर ला डेली हो रेत दे जाएगी। चलो जी हम अपने चने लेके चलते हैं। आंटी कह रहे शक्कर दी खा के जाना, मैंने कहा देर हो रही है फिर सही। चलो जी चल बा आ जाओ, सही तरह बंद कर दो, आ जाओ। चलो सर अभी हम जाएंगे घर अपने, ये सारे चने शने लेके चने दिए थे आंटी को भूनने के लिए, थोड़े बहुत भून दिए आंटी ने, अब इसको मशीन से पिसवा के फिर हम इनकी पिनिया बनाएंगे। चलो शायद बेटा जल्दी से चलो। तो जी आज के ब्लॉग का मैं एंड करने लगी हूँ, बहुत ठंड लग रही है तो मेरा रहता है कि ना थोड़ी देर के लिए रजाई में लेट जाऊँ, फिर उसके बाद ही कुछ और कुछ करना करूँगा। तो रजाई में लेने से पहले ना बच्चे बाहर खेलने, उनको ला के खाना वगैरह खिलाना है, ये काम करना है फिर बस, और कोई काम नहीं है। तो आज के ब्लॉग का मैं एंड करने लगी हूँ, आप लोगों ने जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक करना है। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।